जहाँ एक तरफ देश में मॉब लिंचिंग और जाति धर्म के नाम पर शोषण का आरोप लगाने वाले कुछ संगठन हैं, तो दूसरी ओर भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करने वाले कुछ लोग भी हैं। ऐसा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिली, जहां मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ियों को बैंड बाजे की धुन पर बम बोले के जयकारों के बीच भारतीय झंडा दिया और उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। इसके साथ ही मुस्लिम भाई जयकारे के बीच जमकर थिरके। वहीं मुस्लिमों की माने तो यहां धर्म का ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई मतभेद। जितना मुस्लिम हिंदू भाइयों से स्नेह करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदू मुस्लिम भाइयों से प्यार करते हैं। दोनों भले ही एक माँ के कोख से जन्म ना ले पाए हों, लेकिन दोनों के बीच प्रेम भाइयों से ज्यादा है और यही संदेश वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। आज ग्राम सभा मिर्जापुर माफी मेरी पैतृक गांव में मेरे ही कैंप कार्यालय से आज जो ये कांवड़िया का एक बड़ा जत्था निकला हुआ है, इस पे इसको हम हमारे मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा झंडा सौंप कर और गुलाब के फूलों से उनके ऊपर वर्षा करके उनको यहाँ से विदा किया। ये अयोध्या जा करके स्नान करेंगे, उसके बाद अपने स्थान पर जाने का काम करेंगे। यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो ये विवाद उत्पन्न किए हुए हैं, इनको सीख लेना चाहिए हमारे अयोध्या वासियों से। ये अयोध्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश में इसके नाम से इसके आड़ में लोग गलत सलत काम करके और एक दूसरे का खून कत्ल किया करते हैं। मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, अयोध्या के धरती पर हम लोगों ने एक माँ से कोख से जन्म तो नहीं लिए हैं, लेकिन मोहब्बत हम हिंदू मुसलमानों में उतना ही है जितना कि हम सगे भाइयों में है। पूरे ग्राम इसलिए है कि अयोध्या में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं और एक रहेंगे। बता दें कि सावन मास में अयोध्या में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं और सरयू से जल लेने के बाद नागेश्वर नाथ सहित शिव मंदिरों का दर्शन करते हैं। इन दिनों रामनगरी शिव भक्तों के रंग बिरंगी हुई नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।